श्री गणेशाय नमः। आप अपने घर में रुद्राभिषेक कैसे करें? आपन आपन कर घरे रुद्राभिषेक केमती करिवे? मंदिर कमिटी पाई भगवान शिव कौन कहउचंती? ओम श्री गणेशाय नमः। मां कामरूप कामाख्या देवी, धर्म प्रेमी विश्ववासी, आप अपने घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आपके घर में शिवलिंग जरूर होगा। अगर शिवलिंग नहीं है तो नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर के शिवलिंग ले आइए। आप उड़ीसा राज्य में रहते हैं तो उड़िया भाषा में पुस्तक ले आइए, और अगर आप हिंदी जानते हैं तो ऑनलाइन एक हिंदी ले आइए रुद्राभिषेक। ये तो रहा आम जनता के लिए। रुद्राभिषेक सीखना बहुत ही आसान है। आपको संस्कृत आता हो संस्कृत में उच्चारण कीजिए, और नहीं आता हो तो आप उसका अनुवाद देखेगा हिंदी और उड़िया में है। और जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो पंडित हैं, आप 365 दिन आराम से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कोई जजमान जरूरत नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था जो पंडित भाई माने अच्छा आप 365 दिन रुद्राभिषेक कर पार्बे, कौन से जजमान दरकार नहीं। जो मंदिर कमिटी है आप भी 365 दिन अपने अपने मंदिर में सामूहिक रुद्राभिषेक करवाना जरूरी है। तो जैसे कोई पंडित भाई है, आप ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां की ज्यादा लोग जाते ना हो, एक श्रृंगी लेके जाइएगा और एक रुद्राभिषेक पुस्तक। तो श्रृंगी जजमान पकड़ता है, जजमान जरूरत है। ऊपर से जहां जल टपकता है उसके अंदर यह श्रृंगी को भर दीजिएगा, और हर एक अध्याय पाठ करने के बाद अपने हाथों से वह ऊपर जल फिर भर दीजिएगा। जल कौन सा हो? कर्पूर से सुगंधित जल। अब पढ़ लीजिएगा तो आपको 365 दिन काम मिलेंगे। अब घर गृहस्थी वाले जो हैं, घर वासगृह महिला मामा ने आपको रुद्राभिषेक करना है अपने हाथों से, पहले आप साल दो साल छह महीना पढ़े शिवलिंग के सम्मुख, तो उसका विधि क्या है? आवारा कुत्ता जो बुला कुकुरा उनको हर रोज खाने के लिए दीजिए, और अपने अपने क्षेत्र का शिव मंदिर में जाइए, एक आलू लेके और एक बेलपत्ता और दूब घास और एक त्रिशूल और ये रक्षा सूत्र, और शिव बाबा को दीजिए कर्पूर के साथ, और बोले शिव बाबा हम हमारे घर में रुद्राभिषेक पाठ सीख रहे हैं या कर रहे हैं, हमें सरस्वती का वरदान दीजिएगा। और नींबू जो लेमन आता है थोड़ा सरसों तेल लगा के वहां दे दीजिए। क्लास नंबर वन। क्लास नंबर टू, वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर में, शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो वहां कुछ न कुछ सरसों तेल भिजवा दीजिएगा। अब फिर घर से चालू कीजिए आप। छह महीना के अंदर आप मास्टर माइंड बन जाएंगे। छ मास भीतर रुद्राभिषेक अपन मास्टर माइंड है जीवे। और जो पंडित हैं विश्व के, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए और वहां के 10-12 आदमियों को बोलिए कि हम सामूहिक रुद्राभिषेक हर रोज करेंगे। तो पहले दिन में मान लो 10 आदमी ने आपको नाम दिया तो एक बेलपत्र हाथ में लीजिएगा। वहां अखंड दीपक जलना जरूरी है सरसों तेल का। एक बेलपत्र लीजिएगा हाथ में, थोड़ा कर्पूर और येलो मास्टर पीली सरसों, और वहां 10 व्यक्तियों का नाम बोल के कि हम ये 10 परिवार यहां 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 रहते हैं, हम रुद्राभिषेक आपके चरणों में कर रहे हैं, और एक नारियल श्रीफल चढ़ा दीजिएगा। घर वाले आप भी नारियल एक श्रीफल चढ़ा दीजिएगा, और बोल के नाम वगैरह जो अशोक सुंदरी देवी जलाधारी है वहां छोड़ दीजिएगा, और 10 आदमी को आपने उच्चारण कर दिया सामूहिक, आपका 108 दिन चलेगा। दूसरे दिन फिर कुछ व्यक्ति जुड़ेंगे आपसे, तो फिर संकल्प लेना है कि पूर्व संकल्पित सहित ना आज हम संकल्प ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगते हैं एक रुद्राभिषेक को, ज्यादा से ज्यादा। तो जो वर्ण व्यवस्था के तहत पंडित भाई हैं, आपको भी 12 महीना काम मिलेगा, भटकना नहीं पड़ेगा।
तो ये रुद्राभिषेक बहुत आसान है। अगर आपको पंडित भाई संस्कृत नहीं आता हो तो हिंदी में भी आप उच्चारण कीजिए। और जो मंदिर कमेटी आप लोगों के लिए जो वेद शास्त्र का गाइडलाइंस है, हर वर्ष आप कमेटी में बैठे हो, सामूहिक 108 रुद्राभिषेक करवाना ही पड़ेगा, चाहे कोई जजमान आए चाहे ना आए। और 108 रुद्राभिषेक करवाने के बाद अंतिम दिन में हवन कर दीजिएगा। एक पुस्तक रखिएगा, वहां सबका नाम वगैरह लिख दीजिएगा, 108 वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, और आपको 108 करवाना पड़ेगा। रुद्राभिषेक में कोई सामग्री जरूरत नहीं है, कभी सरसों तेल का करवा दिए, कभी चीनी जल का, कभी कर्पूर जल का, यह सब चलता रहेगा 108। कमिटी को करवाना जरूरी है। और जो दुर्गा के भक्त हैं या रानी सती के भक्त हैं, पहले आप शिव मंदिर को प्रसन्न कीजिए। तो यह है रुद्राभिषेक का नियम। जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आप अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। जन्म कुंडली गणित फेल है, ग्रह जो है सत्य है, आपको दुष्ट ग्रह परेशान कर रहे हैं। आप निरंतर गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। आप कर्ज में फंसे हुए हैं, अखंड दीपक का सहारा लीजिए, कोर्ट केस वाले अखंड दीपक का सहारा लीजिए, घर का अखंड दीपक का, व्यापार नहीं चल रहा अखंड दीपक का। सर्वप्रथम मानव का किस्मत डिपेंड करता है वायु से, वायु महापुराण। आप अपने घर में हर रोज जो हल्दी आता ना, हल्दी हल्दी भीमसेनी कर्पूर और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों और गूगल धूप, गूगल धूप हमने दिखाया था, मैं पहले बेचता था, अब सब कुछ मैंने बेचना बंद कर दिया, सब कुछ मैंने बेचना बंद कर दिया। ये गूगल धूप देखिए, चूरा मत लीजिएगा, ऐसा लीजिए। और धुनी हर रोज आप जरूर दीजिए। पितृ देवता को आप कुछ खाने के लिए देना चाहते हैं, तो जो शिव मंदिर शिवलिंग जलाधारी है, वहां काला तिल कौड़ा राशि और जवधान जो दीजिए, वही पितृ देवता को मिलता है। मानव मरने के बाद किसी का भी आत्मा स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि आपको वेद शास्त्र के विपरीत ज्ञान दिया गया है। पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियों का अधीन बंधन है, यही कारण से वेद शास्त्र ने कहा चाहे शिव मंदिर जाओ चाहे देवी मंदिर जाओ, लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा के और आवारा कुत्तों को खाने के लिए दीजिए, और त्रिशूल और ये मंदिरों में चढ़ाएं। आपके घर में किसी का विवाह है, विवाह तारीख से पहले या विवाह के बाद अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर, शिव मंदिर शिवालय में 51 51 किलो सरसों तेल कमिटी के अध्यक्ष को दीजिए कि यहां अखंड दीपक आप जला लीजिए, या जलता है नहीं जलता है तो जलाइए, हमारे तरफ से 51 किलो सरसों का तेल। पहले आप कभी भी 52 या 56 भोग लगाना हो, पहले शिव मंदिर में लगेगा, क्योंकि शिव मंदिर के जलाधारी में श्री गणेश देवता हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को, उसके बाद दुर्गा देवी, रानी सती, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, संतोषी को लगेगा, सर्वप्रथम शिव जी को। उसके बाद चाहे आप हनुमान को दीजिए, खाटू को दीजिए, बाटू को दीजिए, राम को दीजिए, श्याम को दीजिए, पहले अधिकार है श्री गणेश शिव जी का, क्योंकि जो जलाधारी है वहां से स्वर्ग का दरवाजा है। आज आप विश्व में जितने भी पंडित देख रहे हैं, ये 80% नकली हैं। ये जन्म कुंडली देख के आपको बतलाएं कि आपका मृत्यु दोष है, आने वाले समय में आपका संकट है, ये बोलेंगे और आपको अपने जाल में फांस लेंगे। सामूहिक कहीं भी यज्ञ होता हो, जा सको ठीक, और नहीं तो आप अपना नाम वगैरह भेज दीजिए। सामूहिक कहीं भी रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, जा सको ठीक, नहीं तो अपना नाम वगैरह भिजवा दीजिए।
घर प्रवेश से पहले शिव मंदिर में 51 किलो सरसों तेल जरूर दीजिए। बेटा और बेटी के विवाह से पहले 51 किलो जरूर दीजिए। नहीं दिए हैं आप तो आज ही दीजिए। घर भी तो आपने बनाया होगा 10-20 लाख का, तो ये पंडित लोग नहीं बताते। जिसके शरीर में आत्म सुरक्षा कवच हो उसी का ही आत्मा स्वर्गलोक शिवलिंग के माध्यम से जाता है। आत्म सुरक्षा कवच ये कामरू कामाख्या देवी आसाम से प्राप्त होता है। तो जो भी पंडित भाई आज जो आप बोल रहे हैं भारत और विश्व में कि हमें खाने के लिए दो पितृ देवता को मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं आप। हमें दान दो, आत्मा स्वर्ग आप एक चींटी को भी नहीं भेज सकते। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, वर्ण है वैश्य, गोत्र है मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। और इसी हाथों से मैंने भूत प्रेत राक्षस शक्ति को कचड़ कचड़ के मारा है। मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त है, गॉड गिफ्ट। ओडिशा राज्य जिला कालाहांडी शहर के सिंगा के नजदीक जो भव्य अंबा देवी मंदिर जो देख रहे हैं, वह अंबा देवी का मंदिर 5 वर्ष में रहा हूं। लेबर मिस्त्री लगाकर पूरा निर्माण मेरे हाथों से हुआ है। और उसी देवी से और केसिंगा गौरी शंकर मंदिर बाबा से मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त है। और वही सिद्धि के कारण मैं देख सकता हूं कि पूर्वज का आत्मा जो है पहाड़ों के अंदर बंधक है। हर शिव मंदिर परिसर में एक वेद माता गायत्री मंदिर रहना जरूरी है। हर गांव में एक वेद माता गायत्री मंदिर रहना जरूरी है। हर क्षेत्र में बगड़ामुखी मंदिर जरूरी है। बगड़ामुखी के अंदर ये ताकत है जो कि भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का मुख को बांध दे। ओम ह्रीम बगड़ामुखे सर्वदुष्टानां वाचो मुखं पदमे स्तंभे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। बगड़ामुखी के अंदर ये ताकत है जो कि राक्षस शक्तियों का मुख बांध दे। आपने 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है। ये 2-4-5 हजार वर्षों से स्थापना है भारत में। उससे पहले जो पूजन होते थे राक्षस शक्तियों का पूजन होते थे। आप जितने भी ग्राम देवता देख रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें 99% राक्षस शक्तियां हैं। 50,000 वर्षों से उनका पूजन हो रहा है। समय के साथ उनका छोटा पिंड था, लोगों ने मंदिर बना दिया। तो आप न जाने जानते नहीं उनका इतिहास क्या है, फिर भी जा रहे हो, यही मंदिर है, यही देवी है, यही भगवान है। और जितने व्यक्ति भी 99% हमने कहा, 100 नहीं कहा, ग्राम देवताओं के मंदिर में जा रहे हो, आपके घर में संकट आना सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता, ये विधि का विधान है। तो 99% ये राक्षसी शक्तियां हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हो 10 किलोमीटर जरा घूम के देखिए, ऐसे ऐसे नामों में मिलेंगे ग्राम देवता जो कि आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना। तो यह मानव को मार के खाते हैं। इनको 10,000, 20,000, 50,000 वर्षों तक आज से पहले मानव बलि दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? यह स्वयं मानव को खींच के लाके खा देते थे और आत्मा को ट्रांसफर कर देते पहाड़ों के अंदर। अब 1201 आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, आपके जिला में अगर कोई देवी का मंदिर है तो उनका इतिहास देखिए 1201 का। वह प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, उनको हाथी में लाके अंडरग्राउंड में रखा गया है। वह सब राक्षसी शक्तियां हैं। मैंने दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पूर्ण सिद्ध किया है और एक जन्म में कोई सिद्ध नहीं कर सकता। मुझे 72 जन्म लगे हुए हैं, यह मेरा 72वां अंतिम जन्म है। इसके बाद डायरेक्ट शिवलिंग जलाधार से स्वर्ग जाना मेरा फाइनल है। 25 वर्ष और मैं बचूंगा, 25 वर्ष। भीमसेनी कर्पूर आपके गांव में मिले तो ठीक, नहीं तो हम डायरेक्ट फैक्ट्री मालिकों को जोड़ देंगे। भारत के अनेक बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक मेरे शिष्य हैं, जिनका फैक्ट्री नहीं चलता था, जो पंडितों के चक्कर में पड़े हुए थे, उनको हमने रास्ता बतला दिया। उनका फैक्ट्री आज जोरों से चल रहा है। देशी भीमसेनी कर्पूर डायरेक्ट फैक्ट्री से पहुंचेंगे। एक बहुत ही अच्छे परिवार की महिला, बहुत ही अच्छे परिवार की महिला, कल उनको हमने कहा डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाओ भीमसेनी कर्पूर,
और घर में धुनी धुआं दो। वायु पुराण, वायु में राक्षसी शक्तियां हमेशा हर रोज घूमते रहते हैं। और महिलाएं, आप लोग तो हवन करना बहुत आसान है, शाम को घर में कुछ पूजन करें चाहे ना करें, धुनी जरूर दीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, और जहां भी सामूहिक रुद्राभिषेक हो, आप न जा सको तो कम से कम एक रुपया भी भिजवा दीजिए। जहां कहीं यज्ञ होता हो, आप न जा सको तो एक रुपया भिजवा दीजिए। भारत देश में हिंदू सनातन धर्म के जितने देवी देवताओं का मंदिर है, उससे लाखों मंदिर ग्राम देवताओं राक्षसी शक्तियों का है। 50,000 वर्ष पूर्व जो छोटा सा गांव था, बड़ा शहर हो गया है, तो उस जमाने में जो तांत्रिक अपने अपने जमीनों में ग्राम देवता का स्थापना किए थे, वह समय के साथ जमीन बेच दिए, वहीं ग्राम देवता रह गए, और उसके ऊपर करोड़ों मानव का घर आज बन चुका है। ना आप घर छोड़ सकते हो, ना ग्राम देवता को निकाल सकते हो। तो ये वेद शास्त्र का वाणी है, आत्मा को स्वर्ग भेजना है। एक बार आप मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर जाइए, वहां देवी से बोले हमारे आत्मा में आत्म स्वर्ग का कवच दीजिए, और किसी भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं को यह 56 भोग और सवामणि मिठाई का नहीं लगता, देना है आपको देवी देवता के मंदिर में 51 किलो अगरबत्ती दीजिए, सरस्वती, आलू को सरस्वती कहा गया है, अभी 14 तारीख को सरस्वती पूजन है, आप 51 किलो आलू अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में दीजिए, और अगर आपके क्षेत्र में देना संभव नहीं है तो शिव जी के कृपा आशीर्वाद से केसिंगा के नजदीक 2 किलोमीटर कुरलुपाड़ा गांव में अग्रोहाम आधाम 4 अखंड दीपक जल रहे हैं, वहां निरंतर सामूहिक, वहां 14 तारीख को 51 किलो आलू लगा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर ही मेरा फोन पे नंबर है, 51 किलो आलू का 701 रुपया पड़ेंगे, और साथ में बोलो तो सरसों तेल 5 लीटर शिव बाबा के चरण में रखवा दूंगा। मैं कॉल अभी रिसीव करने के मूड में नहीं हूं 25 वर्ष तक, आवारा कुत्ता को ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए दीजिए, और ग्राम देवता ये 99% राक्षसी सकती हैं। महिलाओं के शरीर में जो सकारात्मक ऊर्जा है, हर रात को खींच के ले जा रहे हैं, बच्चों के शरीर से खींच के ले जा रहे हैं। उपवास, जीवन में कभी भी उपवास व्रत कभी भी मत कीजिएगा, हमारे कोई भी देवी देवता से उपवास कनेक्ट ही नहीं है, धन का कमी है, विष्णु सहस्त्र नाम घर में पाठ कीजिए। 80% तो नकली पंडित है, वस्त्र धारण करके कोई पंडित नहीं होता। आपको किसी को अगर राक्षसी शक्ति देखना है तो हम प्रोसेस उसका बतला देंगे, कामाख्या देवी जाके आइए, रुद्राभिषेक नमक चमक में शामिल हो जाइए, यज्ञ में शामिल हो जाइए, और मंत्र बतला देंगे। और शरीर जिसका कमजोर है, डरापन है, दूब घास, दुर्बा घास शिव मंदिर में दीजिए, कर्पूर दीजिए, ये वेद शास्त्र सम्मत है। हमने 2024 से पहले ही ऑल वर्ल्ड के लोगों को कहा था 2024-25-26 से बहुत खतरनाक वर्ष है, आदमी सोते सोते मर जाए, कहीं गाड़ी से गया है एक्सीडेंट होके मर जाए, बीमार आदमी मर जाए, ये राक्षसी शक्तियों का खेल है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, जितने भी हार्ट अटैक से मानव मरे हैं, जितने भी मां के गर्भ से मानव मरे हैं बच्चे, सब ये राक्षसी शक्तियों का खेल है। और मैं जितना प्रवचन दे रहा हूं, मुझे जो जानते हैं, आपने गुरु बनाया है अग्नि बाबा को, कल्याणी का बाबा को, उनको पूछ लीजिएगा कि ये अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता जितना शब्द प्रवचन दे रहा है सत्य या झूठ है, वो बोलेंगे 100% सत्य बोल रहे, क्योंकि यह दो संत भी बार बार आपके गांव में गए हुए थे,
आपके गांव में धुनी रमाए हैं और इन्होंने बार बार कहा है गांव में यज्ञ करवाओ यज्ञ करवाओ यज्ञ करवाओ। गौशाला जितने भी बने हुए हैं, गौशाला के अंदर राक्षस शक्तियों का वास है, गौशाला में हर वर्ष बगड़ामुखी का यज्ञ होना जरूरी है और गौशाला में अखंड दीपक जलना जरूरी है। गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है। काशी वालों ने महिलाओं को झूठ बोला है, पुरुषों को झूठ बोला, बाछी झूठ बोल के ये करवाते हैं। तो अग्नि बाबा और कल्याण बाबा ने तो कहा बारंबार, और जितने भी शिव मंदिर कमेटी हो, बैंक के अंदर जो पैसा घुसेड़ के रखे उस पैसा को निकाल लो और अपने अपने क्षेत्र में शिव मंदिर को जागृत करने के सामूहिक रुद्राभिषेक चलता रहे 365 दिन। नाम से ही चलेगा, व्यक्ति के नाम से। ऐसा नहीं कि रुद्राभिषेक करवा दे, गांव के मंगल के लिए अगर बोल दिए हो, जैसे नवरात्र करवाते हो ना और बोल दे तो गांव के मंगल के लिए, वह सब मंत्र आपका राक्षस से शक्ति खींच के ले जाते हैं। क्योंकि आप मानव अगर देवी देवता के भक्त हैं तो राक्षस से शक्ति भी देवी देवताओं के भक्त हैं। श्रद्धा भक्ति से किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता, श्रद्धा भक्ति अगर प्रवेश कर गया है कोई देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। देवियों को तो चाहिए नींबू का माला, सिंदूर चाहिए, त्रिशूल, खड़गंग, चक्र, गदेश, चाप, परिधा, चुलम्ब, संडिम, शरंग, शंख, छंद, अदति, करस्त्रिण, नाम, रुसांग, अवृतम, ये सब चाहिए। शिव जी को और अधिक प्रसन्न करना है, जो पेठा से बनता ना पेठा, पानी का खारू, उसका बलि लगता है शिव जी को। अशोक सुंदरी देवी बैठी है। दुर्गा को प्रसन्न करना, अम्बा को प्रसन्न करना, तो नवरात्र में अम्बा देवी को, दुर्गा देवी को पानी कखारू पेठे का बलि देना ही पड़ेगा, पेठा जो बनता है। अगर नहीं देते हो तो आपका नवरात्रि फेल हो जाएगा। मंदिर में बैठा ये पुजारी को क्या मालूम, इनके तो पूर्वज भी राक्षस शक्ति के अधीन बंधन है, क्योंकि इन्होंने साधना नहीं किया, इन्होंने तो एक ही पुस्तक पढ़ा, पूजन पद्धति, और दूसरा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ हमें खाने के लिए दो पितृ को मिलेगा, तीसरा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ हमें दो स्वर्ग जाएगा आत्मा, इनको तीन ही चीज के बारे में मालूम है। चौथा इन्होंने लोगों का जन्म कुंडली देख के कहा कि तुम्हें मृत्यु दोष है, और ज्यादातर ये महिलाओं को फांस रहे हैं जाल में। चार वर्ण व्यवस्था के तहत कोई भी पंडित बन सकता है। ज्यादा करके इन्होंने भारत के महिलाओं और पुरुष, आप भी इनसे बचे, मेरे गुरु जी हैं रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव,